सो हेलो व्यूअर्स, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। तो मुझे तो मैथ इतना खैर आता नहीं है, बट फिर भी सवाल है कि सपोज कीजिए हमारे पास 50 रुपीज़ हैं, और ये सवाल थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग सा है, समझ नहीं आता कि कैसे क्या हुआ। 50 रुपीज़ में से हम लोग जितने हमने पैसे स्पेंड किए हैं वो इधर लिख लेते हैं, और जो भी हमारे पास पैसे बचते चलेंगे उसको हम लोग इधर लिख रहे हैं, ठीक है। ये स्पेंड है, ये हमारी लेफ्ट मनी है। तो 50 में से सबसे पहले हमने 20 रुपीज़ स्पेंड करे, हमारे पास 30 बचते हैं। इस 30 में से हमने 15 रुपीज़ स्पेंड करे तो हमारे पास 15 बचते हैं। इस 15 में से हम लोगों ने 9 रुपीज़ स्पेंड करे तो हमारे पास 6 रुपीज़ बचते हैं। इस 6 में से हमने और 6 खर्च कर दिए तो हमारे पास 0 बचते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो 50 रुपीज़ आपके स्पेंड आपने कर दिए, लेकिन जब आप लेफ्ट मनी की बात करते हैं कितने पैसे बार बार बचे होंगे, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 51। तो स्टेप बाय स्टेप देखा तो 51 तो हमारे पास पैसे बचे हैं और खर्च करे हमने टोटल 50। तो ये चमत्कार कैसे हुआ, ये आंसर कैसे निकला, और हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 50 रुपये लेकर के जाएँ, आपका लेफ्ट ओवर बचता है 51 और जो आपने खर्च करे वो करे 50। तो आंसर क्या है वो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर हाँ, ये 1 रुपये हमारे पास ना कैसे आया, ठीक है, तो कहाँ से निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, आपको बताना है। और निकाल के देखें, सोच के देखें कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता, इसमें कौन सा मैथमेटिकल फिनोमिना लगा है, बट आंसर कमेंट करके ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल को क्या कर सकते हैं हम, सब्सक्राइब। थैंक यू।